कारगिल विजय दिवस के मौके पर अमृतसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृतसर स्थित पंजाब स्टेट वॉर हीरोज मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम भगवंत मान ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम भगवंत मान ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राण देने वाले शहीदों को हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। देश के लिए किया गया उनका बलिदान अतुलनीय है और इस दौरान उन्होंने पंजाब में सेना के जवानों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कारगिल के शहीदों को याद करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा है कि हमारे वीर जवानों ने टाइगर हिल की चोटियों पर तिरंगा झंडा लहराकर दुश्मनों को बता दिया था कि जब तक भारत के जवान डटे हुए हैं कोई भी भारत की तरफ बुरी नजर से नहीं देख सकता। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बड़ा ऐलान किया। 28 जुलाई को पंजाब के 12,500 कच्चे अध्यापकों को पक्का किया जाएगा और सीएम भगवंत मान सभी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार जनता से किए हर एक वायदे को पूरा कर रही है। पंजाबी सिंगर सुरेंद्र छिंदा का लुधियाना के अस्पताल में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें, सुरेंद्र छिंदा ने गायकी के साथ साथ कई फिल्मों में अभिनय भी किया है। इलाज के बावजूद लंबे समय से बीमार छिंदा की सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा था। उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया था और उनकी मौत हो गई। पंजाबी सिंगर सुरेंद्र छिंदा के निधन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया है। उन्होंने सुरेंद्र छिंदा को श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि गायक सुरेंद्र छिंदा जी के देहांत की खबर सुनकर काफ़ी दुख हुआ। उनके निधन से पंजाब की बुलंद आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। साथ ही उन्होंने कहा है, छिंदा भले ही शारीरिक तौर पर नहीं रहे होंगे लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मिथियर ने भी सिंगर सुरेंद्र छिंदा के निधन पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि पंजाबी गायक सुरेंद्र छिंदा के निधन से पंजाबी गायकी के लिए एक युग का अंत हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने छिंदा निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने अजनाला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि रावी नदी के पानी से इस क्षेत्र की हजारों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही उन्होंने खेतों में हुए जलभराव को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में वहां गेहूं की बुआई में भी मुश्किलें आ सकती हैं। उन्होंने कहा है कि बाढ़ की वजह से सिर्फ खेती नहीं बल्कि सड़कें, स्कूल और अस्पताल भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने बाढ़ के हालात पर चिंता जाहिर की है और बाढ़ पीड़ितों की जल्द से जल्द मदद की सरकार से अपील की। ओमान के मस्कट में फंसी दो महिलाओं की सकुशल वतन वापसी हुई है। दोनों महिलाएं मूल रूप से पंजाब की रहने वाली हैं। महिलाओं के मुताबिक काम के नाम पर उनका मानसिक और शारीरिक शोषण होता था, जहां अपने परिजनों से बात करने की भी उन्हें इजाजत नहीं थी और जब महिलाओं की ओर से घर वापसी की बात कही जाती तो फर्जी एजेंट उनसे 2 लाख रुपये की मांग करते। ऐसे में मस्कट में फंसी महिलाओं ने किसी तरह राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सिचिवाल से मदद की मांग की और जिसके बाद उन्हें ओमान से भारत लाया गया। पंजाब के सुल्तानपुर लोधी का रहने वाला युवक बलजिंदर सिंह दुबई से लापता हो गया है। युवक करीब 20-25 दिन पहले से ही लापता बताया जा रहा है और वहीं बेटे के लापता होने की खबर से परिवार वालों का बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि कई दिनों से उनका बलजिंदर सिंह से कोई संपर्क नहीं है, उसका फोन भी बंद है। ऐसे में परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सचिवाल से उन्होंने अपील की है और बलजिंदर सिंह की तलाश फिलहाल जारी है और भारत लाने की मदद की भी मांग की गई।
नशे के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पंजाब में कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस की टीमों ने मोगा, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब में एक साथ छापेमारी करते हुए नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश दी है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीमों को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि पंजाब सीमा पार से सप्लाई होने वाली नशे की खेप और बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ बीते लंबे समय से मुहिम चलाई जा रही है। इस अभियान के जरिए नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के साथ साथ गैंगस्टर्स के कनेक्शन को भी कमजोर किया जा रहा है। फरीदकोट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर चल रहे अवैध रेत खदान पर छापेमारी की और फरीदकोट के पास चांदबाजा गांव के खेतों में चल रहे अवैध खनन पूर्ण जानकारी पुलिस को मिली थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली, रेत निकालने की मशीन सहित तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसपी जसमीत सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश पर पंजाब भर में अवैध खनन पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की। श्री अनंतपुर साहिब में सतलुज नदी का पानी पूरे उफान पर है, जो आजवली गांव के पास बने अस्थायी पुल तक पहुंच चुका है। बावजूद इसके स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां बने अस्थायी पुल के पार जाते हुए नजर आ रहे हैं और पानी के बहाव को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतलुज दरिया से दूर रहने की अपील की है। आपको बता दें कि पुल पहले भी दो बार टूट चुका है। पंजाब के गुरदासपुर के गांव हरदान में एक निजी स्कूल की बस खेतों में जा पलटी है और हादसे के समय बस में करीब 25 बच्चे सवार थे। आसपास खड़े लोगों की मदद से बच्चों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बस फिसलन के कारण ऐसे हादसे का शिकार हुई है और खेत में जा गिरी है। गनीमत रही कि किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं हुआ।